hello aspirants! welcome to way to officer today i'm going to share with you all the strategy of quantitative aptitude for sbi clerk 2021 okay so first and foremost you need a strategy right because it sets the direction and if you have a proper strategy you can clear any exam with your smart work so smart work matters hard work also matters but smart work is very important right so this strategy is for prelims examination okay सो फर्स्ट यू हैव टू वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू सी सिलेबस इफ़ यू आर अ बिगिनर और आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है गो एंड चेक आउट द सिलेबस बिकॉज सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि आपको ये ये चीजें करनी है राइट right? तो आप एक डायरेक्शन आप पकड़ लेते हो कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है ये चीज़ें पढ़नी है आपका एक पूरा माइंड में माइंड मैप बन जाएगा ठीक है तो सबसे पहले आप सिलेबस देख लीजिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको एक टॉपिक पिक करना है अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओके सो एक टॉपिक अगर आप उसे पिक करते हैं लाइक like परसेंटेज आपने आज से स्टार्ट किया तो आपको आज करना है कल भी करना है और नेक्स्ट डे भी करना है परसेंटेज लाइक थ्री डेज आप एक टॉपिक पिक करिए और उसे थ्री डेज उस टॉपिक को अच्छे से दीजिए तीन घंटे चार घंटे एक दिन में जितना भी आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस टॉपिक को दीजिए और उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करिए बिकॉज प्रलिम्स ऐसा एग्जामिनेशन है ना कि इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप को आपको पढ़ना है राइट right? क्योंकि कुछ टाइप के क्वेश्चन इसमें फिक्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं होता है ओके सो आप अगर उन टॉप टॉपिक्स टौप, को देख के उनके टाइप्स देख लेते हैं अच्छे से और उसे प्रॉपर जो है सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस करते हैं बहुत तो वो आपके दिमाग में एक बैठ जाता है पूरी तरीके से कि हाँ ये इस मेथड से लेगा इसका फॉर्मूला ये है या इसको किस तरीके से लगाना है एलिगेशन से लगाना है या फिर रेशियो से लगाना है जिस तरीके से भी आप लगाना चाहते हैं वो आपके दिमाग में प्रैक्टिस में बैठ प्रैक्ट जाएगा इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट राइट सो so आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है तीन दिन उस टॉपिक को देना है आपको एंड यू कैन फॉलो एनी टीचर हुज मेथड और टीचिंग स्टाइल वर्क्स फॉर यू बहुत लोग पूछते हैं कि किस टीचर को फॉलो करें कौन से टीचर बेस्ट हैं देखिए टीचर सभी बेस्ट हैं सबका पढ़ाने का अपना स्टाइल है अपना मेथड होता है लाइक like, बहुत से लोगों को अमर सर का पढ़ाया समझ आता है बहुत से लोगों को आशीष सर बेस्ट लगते हैं बहुत से लोग सांत्वन सर को फॉलो करते हैं बहुत से बहुत से लोग जो हैं वो आशीष सर या सुमित सर बहुत सारे टीचर हैं जिनको फॉलो करते हैं टीचर्स की कमी नहीं है बट हाँ आपको ये तय करना है कि आपको किस टीचर से पढ़ना है किसकी लैंग्वेज किसका मेथड किसकी टीचिंग स्टाइल आपको समझ आती है ये आप ही सिर्फ फिक्स कर सकते हैं राइट right? जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इतने सारे टीचर्स हैं बट मैंने सिर्फ सांतनु सर से पढ़ा क्योंकि मैंने अपना जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने सांतनु सर से क्लियर किया है बिकॉज उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो मुझे समझ आता है उनका पढ़ाने का तरीका मुझे समझ आता है जल्दी और उनके क्लास में ज़्यादा कंसनट्रेट कर पाती हूँ सो so, मैंने शांतु सर से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे जो लास्ट ईयर उन्होंने एक जीरो टू हीरो बैच करके चलाया था यूट्यूब पे ही तो उसे मैंने पढ़ा था उससे मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक टीचर को फॉलो करेंगे तभी आप फिल्म्स क्लियर कर सकते हैं मैंने और किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा बट आई क्लियर फिल्म ओके सो उसके बाद आपको क्या करना है डेली प्रैक्टिस के लिए जो आपको करना ही करना ये मस्ट है आप इसे स्किप नहीं कर सकते अगर आप इसे स्किप करेंगे तो यू कॉन्ट क्लियर प्रिलिम्स प्रिल्म सिर्फ भूल जाइए आप प्रिलिम्स क्लियर नहीं कर सकते हैं सो टेन सिम्प्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको डेली करने हैं टेन अप्रोसीमेशन के करने हैं टेन नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने हैं उसमें फाइव मिसिंग भी होना चाहिए मिसिंग नंबर सीरीज एंड फाइव रॉन्ग नंबर सीरीज होना चाहिए टेन क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ या किस पी से आप गूगल पर सिर्फ सर्च करिए टेन सिम्प्लीफिकेशन क्वेश्चन फॉर बैंक एग्जाम ओके बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुल जाएंगे बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे सोसेस की कमी नहीं है ओके सोर्सेज की कमी नहीं है बट आपको प्रैक्टिस करना है ये नहीं कि कहीं किसी बहुत स्पेसिफिक टीचर का हमें पीडीएफ मिल जाए या फिर ऐसा कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कहीं से भी मिलना चाहिए बहुत सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं गूगल पर सिंपल आप गूगल पर सर्च करिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहाँ से सिर्फ प्रैक्टिस करना है अपनी स्पीड बढ़ानी है राइट right? सो so, आप ये क्वेश्चन गूगल से कर लीजिए उसके बाद डी दो डी डेली करना ही करना है प्रलियम्स लेवल का राइट right? तो दो डी आप करिए पहले देखिए प्रीलिम्स का जो डीआई होता है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता लाइक अर्थमेटिक बेस्ड नहीं होता है लाइक मेंस में जो आते हैं डीआई वो टाइम वर्क पर आ गया प्रॉफिट लॉस पर आ गया या एस आई पर आ गया इस तरीके से होते हैं बड़े होते हैं बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं बट यहाँ के जो डी होते हैं वो अधिकतर आप देखेंगे परसेंटेज बेस्ड होते हैं तो उसके लिए आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ना ही है तो अगर आप परसेंटेज चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं अगर आप क्वेश्चन को परसेंटेज के तो आप डेफिनेटली डी सॉल्व कर लेंगे बस आपको प्रैक्टिस करना है डी की ओके सो डीआई आप स्किप नहीं कर सकते बिकॉज ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है पांच नंबर आपको मिल जाते हैं यहाँ से कभी कभी दो डीआई आती है आपको दस नंबर मिल जाते हैं और पंद्रह नंबर यहाँ से मिल जाते हैं लाइक फाइव क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फाइव नंबर सीरीज फाइव सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन दोनों में से जो भी आ जाए ओके okay, तो पंद्रह नंबर यहाँ से दस नंबर यहाँ से ट्वेंटी फाइव नंबर आपको ऐसे ही मिल जाते हैं ओके okay, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं कि कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमें स्मार्ट वर्क करना है हम सारे टॉपिक को लेके एक एक हफ्ते नहीं दे सकते हैं कि एक वीक एक टॉपिक को दें और उसे पढ़ते रहें पढ़ते रहें किसी भी टॉपिक को आप पिक नहीं कर सकते हैं अभी ठीक है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज करना है मस्ट है सबसे पहले आपको परसेंटेज क्लियर करना है अपना बिकॉज इससे आपकी डी भी सॉल्व होगी इससे आपका सिंप्लीफिकेशन भी सॉल्व होता है बिकॉज एस में ऐसे सिंप्लीफिकेशन एकदम सिंपल भी नहीं आते हैं सिम्प्लीफिकेशन परसेंटेज बेस्ड सिम्प्लीफिकेशन दे देगा तो अगर आप परसेंटेज अच्छे से आपका क्लियर है तो आप इजीली तुरंत सॉल्व कर सकते हैं परसेंट उसको सिम्प्लीफिकेशन को राइट right? और परसेंटेज से एक क्वेश्चन आते ही है फिक्स है नेक्स्ट आपको क्या करना है मिक्सचर एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन से एक क्वेश्चन आते ही है उसके बाद आप प्रॉफिट लॉस क्लियर कर लीजिए ये प्रॉफिट लॉस का आप क्वेश्चन देखेंगे जरूर आता है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कभी कभी दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे एकदम मेन्स लेवल ऐसा नहीं है बहुत ईजी आता है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है आपकी स्पीड है तो आप अच्छे से कर ले जाओगे ओके सो टाइम एंड वर्क का करना है आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये आपको एक टॉपिक क्लियर करना है बोट एंड स्ट्रीम सो ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं ये कन्फर्म है सो so आपको पता है राइट right? आपको पता है कि आपके क्वेश्चन कहाँ से आने हैं कितने नंबर आप गेन कर सकते हो बस आपको प्रैक्टिस करना है और एक और टॉपिक होता है जो मेन्सुलेशन है ये मेन्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बट प्रियम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ईजी है राइट right. बिकॉज आपको इसमें फार्मूला होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वॉल्यूम दे देगा उसे वॉल्यूम को की वैल्यू को आपको कंपेयर करना है रेडियस निकालना है हाइट निकालना है उसका एरिया निकालना है किसी और बेलन या संघ जो भी दे देता है ओके okay. तो इस तरीके से बहुत ही ईजी होते हैं सिर्फ फार्मूला बेस्ड होते हैं आप आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सो so, इतने टॉपिक हैं ये आपको सबसे पहले करना है उसके बाद इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उन सबको क्लियर कर लीजिए और प्रैक्टिस मॉक प्रैक्टिस मॉक तो डेली आपको करना ही करना है आप अड्डा का डेली मॉक दे सकते हो ओके डेली मॉक जो आता है उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो प्रीलिम्स का एक फुल मॉक आप दीजिए अगर आप डेली नहीं दे सकते तो अल्टरनेट डे पर दीजिए और हाँ प्रीलिम्स के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन से मॉक बेस्ट है किस कौन सा मॉक दें तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे लगता है कि टेस्ट बुक या अड्डा राइट अगर आप टेक्स्ट बुक और अड्डा के मॉक देते हैं एक तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है अड्डा तो फ्री में देता है मॉक और आप अड्डा का मॉक डेली सॉल्व कर सकते हो और टेस्ट बुक बहुत ही अफोर्डेबल है आप उसे लेके कि आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कितनी साइड टेस्ट सीरीज खुल जाती हैं कितने सारे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर हमारी प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो हम ऑली बोर्ड प्रैक्टिस मॉक या बड़े बड़े साइट के मॉक लेकर हम उसमें सिर्फ दस मॉक मिलते हैं आपको पता है और उतना अफोर्डेबल भी नहीं होता है सिर्फ दस मॉक देकर आप नहीं कर सकते हो राइट right, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मी आप पहले टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करिए ग्रेटर से प्रैक्टिस करिए अड्डा से प्रैक्टिस करिए जहाँ से फ्री मिल रहा है जहाँ एक्सेसिबल है अफोर्डेबल है ठीक है आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए हाँ एग्ज़ाम आपका जब जैसे डेट आ गई सपोज आपका एग्ज़ाम टेन जून को है ओके तो उसके दस दिन पहले आप बीस मई को आप ले लीजिए मॉक ऑली बोर्ड प्रैक्टिस मॉक या जहाँ जहाँ भी आपको सही लगता है ठीक है वहाँ से मॉक ले लीजिए आप बिकॉज उसमें दस मॉक मिलते हैं अब वहाँ पर आपको चेक करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं राइट right. आप पहले अगर अभी आप मॉक लेकर उसे चेक करेंगे आप कहाँ स्टैंड करते हैं तो सिर्फ आपका आ, सिर्फ वेस्टेज आपका टाइम भी वेस्ट होगा मनी भी वेस्ट होगी और कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा आप वहीं के वहीं रहेंगे राइट right. सो so, इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है फॉलो करना है सो so, ये मेरी क्वांट की स्ट्रैटेजी है पूरी जिस जिसे मैं फॉलो करती हूँ और लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम लाइक दिया था मैंने प्रिलिम्स और आई क्वालिफाइड सो दिस वर्कस फॉर मी एंड इट वर्कस फॉर यू ऑल्सो सो डू हार्ड वर्क एंड Best of luck guys.